हमारे महाकाव्य रामायण में हमने देखा कि रावण सदैव अपने भाई विभीषण की जो भी लाभकारी सलाह है उसके बजाय अपने मंत्रियों के मीठी प्रशंसा को ही सुनता रहा। रावण ने अपने भाई विभीषण को निर्वासन में भेजकर और अपने दरबारियों के कुपरामर्श को सम्मान करके अपने ही भाग्य को सील कर दिया। आज के वर्तमान समय में लोग लाभकारी के बजाय सुखद का अनुसरण कर रहे हैं और यही हमारे दुखों और कष्टों का कारण भी है। हमारी भारतीय संस्कृति ने सदैव हमें कठिन एवं लाभप्रद जो मार्ग होता है उस पर बल दिया है और हमें सदैव संयम बरतना चाहिए। हालांकि आजकल लोग इंद्रियों को प्रसन्न करने वाली संस्कृति का पालन करते हुए अस्थाई और बाहरी सुखों का पालन करते हैं। अनुभव कीजिए जिस तरह से एक गाड़ी चालक गाड़ी के अंदर बैठकर स्टीयरिंग घुमाता है और उससे गाड़ी के जो बाहरी पहिए हैं वो भी चलने लगते हैं। अतः जब हम हमारे मन रूपी भीतर के पहिए को घुमाएंगे तो उसके साथ हमारे जीवन के बाहरी पहिए भी अपने आप ही घूमने लगेंगे और हमारे जीवन में प्रगति भी आएगी। राधे राधे।